मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर में ध्वजारोहण करने वाले हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए वे एक दिन पहले ही जगदलपुर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि वह दो दिवसीय दौरे पर बस्तर जा रहे हैं। कल जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे और उसके पहले आज दंतेवाड़ा के छिंदनार पुल का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि वे बहुत सारे विकास कार्यों का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर बीजेपी के सवालों पर सीएम ने कहा कि बीजेपी वालों को पहले अपने प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वे एक साथ राशि क्यों नहीं देते, पहले खुद करें फिर दूसरों को उपदेश दें। सीएम ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यहाँ की जनता से जो वादा हमने किया था वो हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड की समस्याओं को देखते हुए वहाँ पर घोषणा की गई है, वहाँ 2500 क्विंटल में धान खरीदने की बात हमने नहीं की, वहाँ की भौगोलिक सामाजिक समस्याओं को देखते हुए घोषणाएं की गई है। श्री बघेल ने कहा कि उत्तराखंड में रमन सिंह मुख्यमंत्री चयन करके गए थे, उन्होंने जिनका नाम लिया वही मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन वे 4 महीने भी नहीं टिक पाए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। बीजेपी के सांसद संतोष पांडे और अभिषेक सिंह को फरार घोषित किए जाने पर सीएम ने कहा कि वे जाएं और कोर्ट में पेश हो जाएं। क्या यह पहली बार हो रहा है? पिछले 15 साल में जब रमन सिंह की सरकार थी, क्या उस समय पुलिस फरारी में चालान पेश नहीं करती थी? किसानों को हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। शहरी क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जो हमारे वनवासी हैं उसके लिए लघु वनोपज की खरीदी और तेंदुपत्ता में 4000 की वृद्धि, उसके साथ वैल्यू एडिशन भी लगातार कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए जो भूमिहीन है, जिसके पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और आदरणीय राहुल जी ने ये कहा था कि इनके लिए भी एक योजना बननी चाहिए। हमारे अधिकारी लगातार उसमें काम करते रहे और अब जाके वो चिन्हित हो गए हैं, उसकी सूची बन गई है और बजट में भी उसके लिए हमने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। सर कहते हैं कि अब उसका वितरण करने का है, तो मैंने राहुल जी से भी निवेदन किया है, मैडम से भी निवेदन किया है कि इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पहली योजना है जो श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर का कार्यक्रम है, तो उसमें आए तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं निवेदन मैंने किया राहुल जी से कि वो आए और उसका शुरुआत करें। किस्तों में देंगे? ये 3 किस्तों में देंगे और प्रारंभिक रूप से जैसे बात हो रही थी कि अक्ती है, तीजा है और दीपावली है, कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के बीच में ये अक्ती त्यौहार जो अक्षय तृतीया है उसका बड़ा महत्व, क्योंकि उसी समय शादी, उस समय उसको पैसा मिल जाए। तीजा में स्वाभाविक रूप से जो शादीशुदा बेटियां हैं वो मायके आती है, उस समय भी खर्चे रहता है। तीसरा दीपावली का समय। किसान सम्मान निधि जो है जी, 2 दिवसीय बस्तर का दौरा कल जगदलपुर में झंडारोहण में सम्मिलित होऊंगा और उसके पहले आज दंतेवाड़ा जिला के जो छिन्नार पुल जो बहुत बहुत प्रतीक्षित था और जिससे मांड का एरिया से संपर्क बनेगा, उसका आज लोकार्पण और बहुत सारे विकास कार्य हैं उसके शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हैं। और उसके बाद जगदलपुर में शाम तक के, देर शाम तक के लगातार कार्यक्रम, उसमें भी सम्मिलित हूँगा। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये 3 किस्तों में देंगे और प्रारंभिक रूप से जैसे बात हो रही थी कि अक्ती है, तीजा है और दीपावली है, कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के बीच में ये अक्ती त्यौहार जो अक्षय तृतीया है उसका बड़ा महत्व, क्योंकि उसी समय शादी, उस समय उसको पैसा मिल जाए। तीजा में स्वाभाविक रूप से जो शादीशुदा बेटियां हैं वो मायके आती है, उस समय भी खर्चे रहता है। तीसरा दीपावली का समय। किसान सम्मान निधि जो है, पहले एक बार बोले वो एक साथ क्यों नहीं देते, और उसके बाद पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान, खुद करके देखे। सर रमन सिंह जी का कल बयान आया है कि पहले एक बार बोले वो एक साथ क्यों नहीं देते,
और उसके बाद पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान, खुद करके देखिए। सर रमन सिंह जी का कल बयान आया है।